भाजपा के राष्ट्र नेतृत्व के आह्वान पर हमीरपुर में बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हमीरपुर भाजपा मंडल ने धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान रखा गया और सिर्फ मंडल के पदाधिकारी ही इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हाथों में तख्तियां लेकर भाजपा ने बंगाल में हिंसा का विरोध किया, जिसके बाद एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट तलब करने और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। भाजपा हमीरपुर मंडल के अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा ने कहा कि बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिंसा शुरू कर भाजपा के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंसा के चलते भाजपा कार्यकर्ता परिवार सहित बंगाल से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, इसलिए पार्टी के आह्वान पर हमीरपुर मंडल ने भी राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर अपना विरोध हिंसा पर जताया है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में राष्ट्रपति से बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट तलब करने और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। जो हमारा धरना प्रदर्शन है, ये पोस्ट इलेक्शन जो हिंसा हुई है बंगाल में, उसके खिलाफ है। जो ममता बनर्जी की सरकार जो है वो गुंडागर्दी पे उतारू है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको मारा जा रहा, जान से मारा जा रहा है। बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें मारे गए हैं हिंसा में, और इलेक्शन के बाद इनका जो नंगा नाच है गुंडागर्दी का, ममता बनर्जी के गुंडों का और टीएमसी का, वो चला हुआ है। और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको घरों से घसीट करके बाहर लाया जा रहा है, मारा जा रहा है, लड़कियों को, बहनों को, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। लोग पलायन करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, बंगाल छोड़ करके असम में और दूसरी जो सीमावर्ती जो राज्य हैं उनमें पलायन कर रहे हैं हमारे लोग। तो ये जो भय का माहौल है, इससे छुटकारा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हर मंडल स्तर के ऊपर वो अपना धरना प्रदर्शन करे और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को एसडीएम के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपे कि ममता बनर्जी की सरकार को इसको बर्खास्त किया जाए, इसको सरकार बनने का मौका ना दिया जाए। और वहाँ पर राष्ट्रपति राज जो है वो लागू किया जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी मंडल हमीरपुर की मांग है और भारतीय जनता पार्टी मंडल हमीरपुर इसी संदर्भ में माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को आज ज्ञापन सौंपने जा रही है। और इसी संदर्भ में ये जो धरना प्रदर्शन है ये रखा गया है।